नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप सभी। मैं नेहा द मायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है? कैल्शियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, दांतों में सड़न की समस्या से परेशान हैं, तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय, एक ऐसा निदान बताऊंगी जिससे कि आप अपने कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। कैल्शियम कमी के कारण, इनके लक्षण और उनके निदान, इन तीनों के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है, वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण, इसके लक्षण और निदान, कि अपन कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं, कौन सी दवा या टेबलेट या कौन ऐसी आयुर्वेदिक औषधि ले सकते हैं जिससे कि अपन अपने बॉडी में से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकें। दोस्तों, जैसे कि अपने बॉडी में किसी भी प्रकार के विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो दोस्तों अपना शरीर डगमगाने लगता है, अपना शरीर किसी न किसी रूप से घिर जाता है, उसी प्रकार कैल्शियम होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपको दांतों में सड़न की समस्या हो सकती है, हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आप अपना एक टेस्ट जरूर करा लें, जिससे कि आपको डॉक्टर बताए कि आप में कैल्शियम की कमी है या फिर किसी अन्य प्रकार की विटामिन या मिनरल की कमी है, तो जिससे कि आप अपना सही समय पर इलाज करा सके। अगर सही टाइम पर इलाज नहीं हो पाता है तो दोस्तों अपना शरीर काफ़ी सारे रोगों से घिर जाता है, जो कि बाद में सही होने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हाथ पैरों में दर्द, दांतों में सड़न की समस्या होने लगेगी। सबसे ज़्यादा कैल्शियम दोस्तों अपने हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, कम से कम 99% दोस्तों कैल्शियम अपने हड्डी और दांतों में प्रेजेंट होता है। इसीलिए बॉडी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा यानी कि सही मात्रा, प्रचुर मात्रा का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे अधिक कैल्शियम दोस्तों दूध के अंदर पाई जाती है। आप दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि दूध का ही इस्तेमाल करें, पनीर या मक्खन, इनका सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दूसरी बात यह है दोस्तों, आप नियमित रूप से एक गिलास दूध का सेवन करें। एक गिलास दूध पिए, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, किसी भी एज के व्यक्ति हो, दूध का आप एक गिलास तो जरूर पीना चाहिए, चाहे शाम के टाइम, चाहे सुबह टाइम, या फिर आप दोनों टाइम भी पी सकते हैं। बच्चों को तो हमेशा दूध देना चाहिए, एक गिलास दूध तो बच्चों के अंदर शरीर में पहुँचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे कि कैल्शियम की कमी बॉडी के अंदर ना हो। डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो वो काफ़ी सारी दवाइयाँ, मेडिसिन देते हैं, उसकी बजाय अगर आप दूध, मक्खन या दही का सेवन करेंगे तो दोस्तों आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आप कैल्शियम युक्त सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि पालक। पालक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पालक की सब्जी बनाएं, सैलेड के रूप में ग्रहण करें, पालक का रायता बनाएं, तो आपके अंदर बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। इसीलिए आपको दूध, पालक, पनीर, मक्खन, इनका तो सेवन करना ही करना चाहिए, जिससे कि आपके दांतों में सड़न की समस्या नहीं हो, दांत एकदम मजबूत बने रहेंगे, हड्डियों में कमजोरी नहीं आएगी, हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होगी। सही टाइम पर इलाज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यही इसका निदान है कि आप दूध का सेवन करें, मक्खन का सेवन करें, पालक खाएं, सलाद के रूप में खाएं, सब्जी बनाकर खाएं, लेकिन खाएं जरूर। आपके शरीर को अगर आप चुस्त दुरुस्त बनाना चाहते हैं, हेल्थी बनाना चाहते हैं, कैल्शियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको कैल्शियम की रिगार्डिंग कोई और जानकारी जानना चाहते हैं या फिर किसी और प्रोडक्ट, विटामिन या मिनरल किसी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, विटामिन ए की कमी के लक्षण, बी की कमी के, किसी भी यानी कि कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।